सो हेलो गाइस, दिस इज प्रफुल कुलकर्णी, वेलकम बैक टू अल्फा लियो। इस वीडियो में मेरे जो रेडार में है उसमें 5 स्टॉक्स आपको मैं एनालाइज करके देने वाला हूँ राइट फ्रॉम स्क्रैच। जीरो से शुरू करेंगे, कुछ नहीं है, विल स्टार्ट राइट फ्रॉम जीरो एंड हम बिल्ड करेंगे। फर्स्ट विल ट्राई टू फाइंड द पैटर्न्स, उसके बाद हम जोन्स को फाइंड आउट करेंगे, कहाँ पे रेजिस्टेंसेस है, कहाँ पे सपोर्ट्स है, एंड उसके बाद हमारे एंट्री लेवल्स एंड एग्जिट लेवल्स वो दोनों डिसाइड करेंगे, एंड उसके साथ स्टॉप लॉस कहाँ पे है वो भी डिसाइड करेंगे। एंड ये जो 5 स्टॉक है गाइस, दे आर ऑल फ्रॉम एपेंडो सेगमेंट, करेक्ट। आपको चाहिए तो आप इसको कैश मार्केट में ले सकते हैं, वरना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ले सकते हैं, बट मी आई प्रीफर टू टेक द ट्रेड्स इन द ऑप्शन सेगमेंट। एंड इन स्टॉक्स का जो होल्डिंग पीरियड है इट्स बिटवीन 3 डेज टू 3 वीक्स, ऑलराइट। अगर आप होल्डिंग नहीं कर सकते हैं तो डोंट ट्राई टू ट्रेड दी स्टॉक्स इन इंट्राडे, करेक्ट। ये स्टॉक्स का लेवल्स जो बना रहे हैं हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, इट्स फॉर स्विंग पोजिशंस, इंट्राडे के लिए नहीं है। सो दैट्स द डिस्क्लेमर। एंड ऑल्सो इस वीडियो में ये भी बताया हूँ कि हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस वीडियो, नॉट जस्ट दिस वीडियो, कोई भी आप स्टॉक एनालिसिस के किसी और भी यूट्यूबर के आप वीडियो देख रहे हैं तो हाउ टू मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दैट अलॉन्ग विथ गेटिंग सम फ्री एनालिसिस, ऑलराइट। क्योंकि काम मैं कर रहा हूँ, होमवर्क मैं करके आपको दे रहा हूँ, इसके साथ साथ आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट भी हो, ऐसे कैसे इस वीडियो को देख सकते हैं ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड चलो लेट्स मिलते हैं चार्ट्स पे। These are the 5 stocks that are on my radar. All right. तो हम analyze करते हैं, कोई तो pattern मिलता है तो ढूंढते हैं क्या pattern है, कहाँ पे entry लेना है, कहाँ पे exit करना है। We'll discuss all those things. But start करने से पहले guys, I want to give one tip for your self improvement. जो मैंने पहले same mistake करता था and I don't want you guys to repeat the same mistake. पहले मैं क्या करता था? I used to watch a lot of YouTubers. कहीं पे भी मतलब फोरम्स पे जाके देखता था, ट्विटर पे जाके देखता था कि मतलब कोई स्टॉक का एनालिसिस कोई तो करके देता है। व्हाट यूज्ड टू हैपन इज आई यूज्ड टू बी स्टक इन अ कंफर्मेशन बायस, करेक्ट, एंड हर्डिंग बायस पे मैं फंस जाता था। तो आई यूज्ड टू गेट कॉन्फिडेंस, तो मेरा तो क्या होता था एग्जैक्टली, तो आई यूज्ड टू बी कॉन्फिडेंट, तो क्या होता था एग्जैक्टली, Even though someone did the analysis, I was not confident to trade that stock. क्यों? क्योंकि analysis मेरा नहीं है, करेक्ट। अगर मेरे खुद के दम पे मैं analysis नहीं करता हूँ, खुद के होमवर्क में नहीं करता हूँ, तो कॉन्फिडेंस कहाँ पे आएगा भाई ट्रेड करने के लिए, करेक्ट। तो मैं क्या करता था, आई यूज टू ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन समवन। शायद आप में से भी बहुत सारे लोग हो कि शायद मेरे चैनल पे या किसी और के चैनल पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, बहुत सारे जगह कहीं ना कहीं स्टॉक रिकमेंडेशंस तो आते ही रहता है, स्टॉक एनालिसिस तो आता ही रहता है, करेक्ट। देयर इज नो डर्थ, मतलब कुछ कमी नहीं है स्टॉक एनालिसिस का। तो आपको क्या करना है, आप वीडियो को पहले पॉज करो। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा हूं कि दीज आर द 5 स्टॉक्स विच आर इन माई वॉच लिस्ट। आप क्या करना है, एड द सेम स्टॉक्स इन योर वॉच लिस्ट, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम ओपन करो, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम ओपन करो, अब जो भी आपका एनालिसिस करना है तो आप करो। डोंट वरी अबाउट बीइंग रॉन्ग, गलती करने का, अगर गलत हो गया क्या है, डोंट वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। आप एनालिसिस करो, जैसे होता है वैसे करो, एंड देन 5 एनालिसिस होने के बाद वीडियो को रिप्ले करो एंड देन ट्राई टू मैच दैट एनालिसिस विथ माई एनालिसिस। तो तब देखो मेरा एनालिसिस क्या है, आपका एनालिसिस क्या है, आप कहाँ पे मिस्टेक किया है। हो सकता है मेरा एनालिसिस में भी थोड़ा गलती हो सकता है, करेक्ट। अगर ऐसे कुछ इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक्स इन माई एनालिसिस, आप कमेंट पे जाके बता सकते हैं कि सर आप ऐसे एनालिसिस किए हैं, अगर एक और पॉइंट ये ऐड कर लिया होता तो आपका एनालिसिस और स्ट्रांग बन सकता। आई ऑलवेज वेलकम यू नो क्रिटिसिज्म। तो ये होता है इम्प्रूवमेंट, ठीक है। आपको 500 स्टॉक्स ढूंढने का तो मैंने आपसे निकाल दिया, करेक्ट। यू डोंट हैव टू लेबोरियसली गो थ्रू 500 स्टॉक्स टू शॉर्टलिस्ट दीज 5 स्टॉक्स। आपके पास 5 स्टॉक्स है, इन 5 स्टॉक्स में आपको क्या करना है, आपको एनालिसिस करके रेडी रखना है एंड देन यू वॉच माय वीडियो एंड ट्राई टू मैच योर एनालिसिस विद माय एनालिसिस। मैं सच में बताऊं, डूइंग स्टॉक एनालिसिस, डूइंग टेक्निकल एनालिसिस इज जस्ट 5 or even 10% ऑफ द ट्रेडिंग, करेक्ट। एनालिसिस तो कोई भी कर सकता है, इवन अ 10th स्टैंडर्ड किड नोज हाउ टू ड्रॉ लाइंस, करेक्ट। इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी मुश्किल बात नहीं है, बट ये एनालिसिस करने से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, ऑलराइट। तो शुरू करते हैं, द फर्स्ट स्टॉक इज डाबर इंडिया। मैं डेली चार्ट पे पहले एनालिसिस करता हूं, तो
थोड़ा जूम आउट कर लिया तो आपको पता चलता है कि मुझे यहां पे एक क्लियर कट पैटर्न नजर आ रहा है. ऑलराइट, इट्स एन असेंडिंग ट्रायंगल, दिख रहा है? करेक्ट. द स्विंग लोस आर शिफ्टिंग हायर एंड हायर. करेक्ट, स्विंग लोस ऊपर से ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है. एंड दिस इज एन एरिया ऑफ रेजिस्टेंस. ये जो एरिया है पॉइंट के बीच का जो एरिया है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो इसको एंट्री कैसे लेना है? वी वॉन्ट टू वेट फॉर दिस स्ट्रक्चर टू ब्रेक आउट टूवर्ड्स द अपसाइड. ऐसे अपसाइड मूव होना चाहिए विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स. तो यू कांट ट्रेड ऑन अ डेली चार्ट, सो यू हैव टू जूम इन इनटू द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम. 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाओ. ऑलराइट, तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाने के बाद भी आपको सेम पैटर्न नजर आ रहा है. ऑलराइट, तो ये जो हाइस था उसको सक्सेसफुली टेक ओवर कर लिया है, टेक आउट हो गया है. एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज वेट फॉर दिस हाई टू ब्रेक आउट. करेक्ट, तो आपका पोजीशन कहां पे रहेगा? यू इनिशिएट योर लॉन्ग पोजीशन हियर. ऑलराइट, आपका स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा? आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रहेगा. आपका स्टॉप लॉस ये जो स्विंग है इसके नीचे रहेगा और ज्यादा से ज्यादा इसके नीचे रहेगा. तो टेक 1:1 टारगेट्स मिनिमम. 1:1 टारगेट यहां पे जो है 562-563 लेवल्स तक आप टारगेट ले सकते हैं एंड ट्रेल आफ्टरवर्ड्स. ऑलराइट, ये हो गया डाबर का एनालिसिस. द नेक्स्ट स्टॉक इज HDFC लाइफ. ये जो HDFC लाइफ का जो स्टॉक है, मैं शायद पहले ही देना चाहता था बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दिस स्टॉक. तो फर्स्ट आई डिलीट ऑल माई प्रीवियस जो मैंने किया है, सब डिलीट कर दूंगा. तो वी हैव टू गो टू द डेली टाइम फ्रेम. जब डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, सेम एनालिसिस समथिंग लाइक. करेक्ट, यहां पे मुझे एक क्लियर कट पैटर्न दिख रहा है. अगर आपके एनालिसिस में भी सेम पैटर्न अगर आप फाइंड किए थे तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर पाए तो यहां पे आप देख सकते हैं. करेक्ट, कौन सा पैटर्न है? कोई भी बोल सकता है. करेक्ट, शोल्डर, हेड, अनदर शोल्डर. करेक्ट, हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो चुका है, नेकलाइन ब्रेक हो चुका है. एंड अगर एक और चीज आप अगर नोटिस करोगे तो नेकलाइन ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट करके अभी ऊपर जा रहा है, ये हाई को भी टेकन आउट कर चुका है. ऑलराइट, तो हम जाएंगे 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एंड विल ट्राई टू सी इफ यू फाइंड एनी अदर गुड पैटर्न्स हियर. तो आपको यहां पे कहां पे एंट्री करना है? इस स्टॉक में आपको एंट्री करना चाहिए इस लेवल पे. ऑलराइट, ये जो लेवल है ना, ऑलरेडी ये जो ट्रेन निकल चुकी है. करेक्ट, अभी यहां पे अगर आप एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा. करेक्ट, वेट फॉर द स्टॉक टू रीटेस्ट यहां पे, इस पॉइंट पे जो 680 के आसपास है ना, यहां पे आपको एंट्री लेना पड़ेगा एंड योर स्टॉप लॉस विल बी समवेयर हियर. राइट, टारगेट है 740 तक ले सकते हैं टारगेट एंड स्टॉप लॉस है समवेयर अराउंड 665. क्लियरली 2.5 से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड है एंड इट्स अ वेरी गुड ट्रेड. तो नेक्स्ट स्टॉक पे जाएंगे एक्सिस बैंक. इवन एक्सिस बैंक इज शोइंग सेम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ. तो पहले अगेन सेम चीज है, पहले डेली चार्ट पे एनालाइज करेंगे, कुछ पैटर्न दिखता है देखेंगे एंड अगेन आफ्टर दैट वील कम बैक टू द 30 मिनट चार्ट. अगर आप देखेंगे यहां पे एक सबसे बढ़िया एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है. पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो क्या, इधर इट्स अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कॉन्फ्लुएंस ऑफ अ सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन, कुछ भी हो सकता है, जहां पे डिसीजन मेकिंग होती है. लाइक नॉट जस्ट यू, आपके तरह अ लॉट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर विलिंग टू इधर बाय और सेल एट दोस पर्टिकुलर लेवल्स. तो इस एरिया जो दिख रहा है आपको, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, दिस एरिया, करेक्ट, ऑब्वियसली सबको दिख रहा होगा. देर इज नो जीनियस दैट्स नीडेड टू फाइंड दिस एरिया. तो फर्स्ट टाइम पहला यहां पे टेस्ट किया, सेकेंड टाइम टेस्ट किया, थर्ड टाइम टेस्ट किया, देन ब्रेकआउट किया, देन वापस आके यहां पे यहीं पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया एंड आफ्टर दैट अगेन इट ब्रोक आउट
tested it once, broke it, and now the stock is coming to the same level. Zoom in करके देखोगे तो you will find out that again यहाँ पे one, two and third time यहाँ पे जो breakout दे चुका है, correct? How do you trade this? Trade करने के लिए again we have to go to the lower time frame. कभी daily charts पे देख के trade नहीं करना है. Alright, अगर आप daily charts पे trade देख के trade करोगे तो obviously क्या होगा? आपका stop loss बड़ा हो जाएगा. The risk reward will get skewed against you. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ऑलवेज ट्रेड एट द लोअर टाइम फ्रेम, बट आपका जो पैटर्न्स है, आपका जो लेवल्स है, दैट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम. ये पॉइंट को हमेशा ध्यान रखो, ट्रेड्स शुड बी एग्जीक्यूटेड इन द लोअर टाइम फ्रेम, पैटर्न्स शुड बी फाउंड ऑन द हायर टाइम फ्रेम. लोअर टाइम फ्रेम क्या है, हायर टाइम फ्रेम क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप एक स्कैल्पर हो तो 1 मिनट टाइम फ्रेम इज द लोअर टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम इज अ हायर टाइम फ्रेम. अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो 1 hour time frame is the lower time frame and weekly time frame is the higher time frame. अगर आप एक investor हो तो 1 day time frame is the lower time frame and 1 month time frame is the higher time frame. तो depends on your trading style. Alright, हो गया. तो अगर आप देख सकते हैं तो clear cut यहाँ पे already यहाँ पे उस सेम एरिया पे ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है एक्सिस बैंक एंड विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स. यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स देख सकते हैं तो क्लियरली द वॉल्यूम्स आर वेरी हाई. तो आप क्या कर सकते हैं, द मोमेंट इट ब्रेक्स आउट ऑफ दिस लेवल आप एंट्री कर सकते हैं. स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा, समवेयर बिटवीन दिस लेवल्स. तो आई डोंट थिंक दैट यू कैन गो हेवी ऑन दिस स्टॉक. आप पूरा ज्यादा क्वांटिटी पे मत ट्रेड करो. आपको जो रिस्क एपेटाइट है उसका सिर्फ हाफ क्वांटिटी यहां पे एग्जीक्यूट करो, बिकॉज जो लेवल्स है स्टॉप लॉस का, जो लेवल्स है दे आर अ बिट वाइड. अगर आप देख सकते हैं तो 650 and 600 के 610 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा. तो ऑलमोस्ट 40% 8-9% का जो स्टॉक का वैल्यू का जो 8-9% है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा. तो दैट्स वाई गो हाफ विद दिस क्वांटिटी. अगली स्टॉक है ग्रासिमो. सेम पैटर्न करेक्ट, कोई डिफरेंस नहीं. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स यही सेम पैटर्न पे आपको दिख रहा होगा. द फर्स्ट थिंग इज क्या देखना है यहां पे, सिंपल द स्टॉक इज इन अ कांस्टेंट अप ट्रेंड. उसके बाद क्या किया, ये एरिया पे एक डिप लिया. डिप लेने के बाद नाउ इट्स ट्राइंग टू क्रॉस इट्स ऑल टाइम हाइस को अभी तोड़ रहा है. सेम चीज, मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लाइक लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. सेम चीज है, इसको भी ट्रेड ले सकते हैं. ओके, जस्ट ऐड ओनली ट्रेड विथ ओनली हाफ क्वांटिटीज. स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, टारगेट मिनिमम 1:1.5 तो लेना ही है. ऑलराइट, इट लुक्स अ वेरी गुड ट्रेड फॉर मी, ग्रासिव. द लास्ट स्टॉक इज अल्ट्राटेक सीमेंट. ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट में कैसे पैटर्न बना है, तो पहले डेली चार्ट में देखेंगे. करेक्ट, डेली चार्ट में इजी, वेरी इजी. इससे ज्यादा इजी पैटर्न तो आपको कभी मिलेगा नहीं. करेक्ट, एक रेजिस्टेंस था जो लाइन, पूरा रेजिस्टेंस था. करेक्ट, पूरा एरिया, दिस वाज एन एरिया ऑफ रेजिस्टेंस. टच दिया, कितनी बार टच दिया, अरे बाप रे. देखो सॉरी, once, twice, thrice, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, 8 times, 9 times, अभी breakout दिया है. Correct? अभी breakout देके almost sustain कर रहा है. That is very important. Breakout देने के बाद sustain करना बहुत important है, वरना fake breakouts तो बहुत ज्यादा है. Alright? तो breakout देने के बाद sustain किया, retest किया and then again it's moving higher. Correct? यहाँ पे भी जो high था उसको भी take out कर चुका है. यहाँ पे आपको क्या करना है, like here आपका स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा. यू एंटर वंस इट टेक्स द हाई ऑफ दिस. इसका जो हाई है, ए पॉइंट है, वंस द स्टॉक क्रॉसेस दिस लेवल 5400, एक राउंड नंबर भी है. सो वंस इट क्रॉसेस 5400 लेवल्स, यू कैन इजीली ट्रेड दिस. एंड आपका स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा, आपका स्टॉप लॉस बस ये जो है स्विंग, इसके नीचे एक 10-15 रुपीज का कुशन दे दो. एंड उसके बाद एटलीस्ट 1:1.5 टारगेट, 5800 तक आराम से आप टारगेट ले सकते हैं, बिकॉज इट्स अ ब्रेकआउट. एंड 1:1.5 होने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास एग्जिट स्ट्रेटजी होना है. लोग क्या बोलते हैं पता है, एंट्रीज डोंट मैटर इन व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन इक्विटी, एग्जिट्स आर ऑल दैट मैटर.
आपको एग्जिट कैसे करना है, स्केल आउट करना चाहिए. अब स्केल आउट करना क्या है, पार्शियल एग्जिट कैसे करना है, ट्रेल कैसे करना है, यू कैन लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ सोर्सेस ऑन द इंटरनेट. अगर नहीं चाहे तो मैं आगे आने वाले टाइम पे मैं फिर से उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दे दूंगा, एग्जिट स्ट्रेटेजी कैसे रहना चाहिए. तो गाइस, दीज आर द 5 स्टॉक्स ऑन माय रेडार. ऑलराइट, आपको आप भी इस स्टॉक्स को ट्रैक करते रहो. इफ यू फाइंड अ गुड एंट्री, ट्रेड दीज स्टॉक्स. ऑलराइट, तो मैं भी ट्रेड करने वाला हूं. एंड लेट्स होप ऑल दी स्टॉक्स वर्क, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस तो सॉलिड है, स्ट्रक्चर तो सॉलिड है. ऑलराइट, तो इट्स जस्ट दैट वी हैव टू टाइम आवर एंट्रीज राइट ऑन द लोअर टाइम फ्रेम. लोअर टाइम फ्रेम पे अच्छा एंट्रीज ले लो. एंड स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट भाई, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, ठीक है, द मदर ऑफ ऑल स्ट्रेटजीज. अगर आप कोई देखो, अगर आप होली ग्रेल ढूंढ रहे हो ना, आई गिव यू द होली ग्रेल इन वन सिंगल वर्ड, रिस्क मैनेजमेंट. उससे बड़ा होली ग्रेल कुछ हो ही नहीं सकता. कोई भी स्ट्रेटजी होली ग्रेल नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट इज द होली ग्रेल. ऑलराइट, चलो गाइस, ये स्टॉक्स आपके लिए है. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो एक्सपायरी डे एनालिसिस में करता हूँ. यूजुअली आई एम एन एक्टिव ट्रेडर ड्यूरिंग द एक्सपायरी डेज. थर्सडेज में एक्टिव ट्रेड करता हूँ, तो आई विल कम अप विद माई ट्रेडिंग प्लान. मेरा जो ट्रेडिंग प्लान है कैसा रहेगा, क्या करना है, सो आई विल कम अप विद दैट प्लान. तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. चलो गाइस, बाय बाय.